हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको आम का अचार बनाना बताऊंगी, जिसे आप सालों साल तक स्टोर करके रख भी सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और इस तरीके से अगर आम का अचार आप बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे मैंने कच्चा आम लिया हुआ है, ये 1 किलो आम है जिसे मैंने अच्छे से धो लिया है। और अब हम इसे कट कर लेंगे और इसकी अगर आप गुठली रखना चाहते हैं तो आप इसकी गुठली रख सकते हैं, अदरवाइज इसकी गुठली निकाल के फेंक सकते हैं। तो अब मैं आम को कट करूँगी छोटे छोटे पीसेस में और मैं इसकी गुठली निकाल के बाहर फेंक रही हूँ, क्योंकि इस चाकू से आम की गुठली जो है नहीं कट रही है, बहुत ज़्यादा हार्ड है। आप चाहें तो इसके बड़े पीस भी कट कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे इसके छोटे छोटे पीसेस कट किए हुए हैं। इससे हमारा अचार जो है वेस्ट नहीं होता है, जिसको जितना खाना होता है वो उतना ही खा पाता है। अगर बड़े बड़े पीसेस होते हैं तो उसे कई बार लोग लेके छोड़ देते हैं, जिससे अचार हमारा वेस्ट हो जाता है। तो छोटे छोटे टुकड़ों में कट करना सही रहता है। तो ये देखिए, हमारा आम कट चुका है और अब हम एक बर्तन लेंगे और उसमें अपने कटे हुए आमों को डाल लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच नमक और मैं इसे ढक के रात भर के लिए छोड़ दूंगी। और अब मैं इसे रात भर के लिए ढक के अच्छे से रख के छोड़ दूंगी, जिससे आम को जितना पानी छोड़ना होगा वो अपना पानी छोड़ देगा और जिससे हमारा जो अचार है वो ख़राब नहीं होता है पानी के कारण। तो हल्दी और नमक को हमें अच्छे से मिक्स करना है, इसके बाद ही हमें इसे ढक के रखना है। अगर आप इसे दिन में बना रहे हैं तो दिन में 4 से 5 घंटे के लिए इस तरीके से आप इसे रख सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आम ने पानी छोड़ दिया है, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए। और अब ये जो आम है इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसे हमें धूप में सूखने के लिए छोड़ देना है 2 से 3 घंटे के लिए। आम में बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए, नहीं तो अचार हमारा ख़राब हो जाता है। और ये जो पानी निकला हुआ है इसे हमें फेंकना नहीं है, इसे हमें रखना है, बाद में हम इसी में डाल देंगे। तो अब मैंने यहाँ पे एक पैन लिया हुआ है और अब मैं इसमें मसाले को भूनूंगी जो हमें अचार में डालना है। तो पैन हमारा यहाँ पे गरम हो चुका है और अब हम इसमें डालेंगे 1/2 कटोरी धनिया और इसे हम तब तक भूनेंगे जब तक इसमें से अच्छी सी खुशबू नहीं आने लगती। ध्यान रहे फ्रेंड्स, इसे हमें फ्लेम में नहीं भूनना है, इसे हमें मीडियम टू लो फ्लेम में ही हमें सारे मसालों को भूनना है। तो यहाँ पे हमारी धनिया भुन चुकी है और इसका आप देख ही रहे होंगे कलर भी चेंज हो चुका है। तो इसे अब हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच जीरा। चंदने बनान जानन इयागीगा नल पोनन सुनगान इहे। तो यहाँ पे हमारा जीरा भी भुन गया है तो इसे हम निकाल लेंगे और अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच मेथी और इसे भी हम भून लेंगे इसमें अच्छी सी खुशबू आने तक। फ्रेंड्स, हमें सारे मसालों को अलग अलग ही भूनना है, क्योंकि कुछ मसाले क्या होते हैं जल्दी भून जाते हैं और कुछ थोड़ा सा टाइम लेते हैं। अगर हम इन्हें एक साथ भूनेंगे तो हमारे कुछ मसाले जल जाएंगे और कुछ कच्चे ही रह जाएंगे। तो अब मैंने यहाँ पे लाल मिर्च ली हुई है जो कि है 8 से 10, इसे भी हमें लो फ्लेम में हल्का सा भून लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। अगर आपको तीखा खाना पसंद है तो आप इसमें और लाल मिर्च ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम भूनेंगे सरसों। तो सरसों को हमें बहुत ही कम भूनना है, बहुत ही कम, बस डालना है और चम्मच से चलाना है और निकाल लेना है। अगर आपके पास पीली सरसों है तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं, मैंने यहाँ पे काली सरसों का यूज किया हुआ है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे यहाँ पे सारे मसाले भून के तैयार हो गए हैं और इन्हें अब हमें पीसना है। तो राई को हमें अलग पीसना है और ये जो सारे मसाले हैं इन्हें हमें अलग पीसना है। तो यहाँ पे जीरा, मेथी
और धनिया और लाल मिर्च है। तो लाल मिर्च का ये जो डंठल है इसे हम निकाल के बाहर कर देंगे। इसके बाद ही हम इसे मिक्सर में पीसेंगे। तो इसे हमें बहुत ही चिकना नहीं पीसना है, हल्का सा दरदरा पीसना है। और राई को तो हमें ऐसे पीसना है कि उसके केवल दो टुकड़े हो जाए, उसे भी हमें बहुत ज़्यादा नहीं पीसना है। और यहाँ पे मैंने अब एक पैन लिया हुआ है और अब मैं इसमें डालूँगी सरसों का तेल और इसे हमें गर्म होने के लिए छोड़ देना है। इसे हमें बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है तेल को कि इसमें से बिल्कुल धुआं निकलने लगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे तेल गर्म हो चुका है और अब मैं इसमें डालूँगी चुटकी भर हींग और अब मैं इसमें डालूँगी एक चम्मच हल्दी पाउडर और अब मैं इसमें डालूँगी एक चम्मच कैच की लाल मिर्च पाउडर। इससे जो अचार का कलर है बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, तो आप इसे ज़रूर डालें। और अब मैं गैस का फ्लेम बंद कर दूँगी ताकि ये जो मैंने मिर्च डाला हुआ है इसमें और हल्दी वो जले नहीं, क्योंकि तेल हमारा अच्छे से गर्म है। और अब मैंने लिया हुआ है यहाँ पे लहसुन और अब मैंने यहाँ पे जो लहसुन लिया हुआ है उसे अच्छे से कूट लूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा अचार सूखने के बाद कुछ इस तरीके का हो गया है। इसमें से इसका सारा पानी जो है वो एक्स्ट्रा था वो सूख चुका है। तो अब हम एक बर्तन लेंगे और उसमें ये आम डालेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम इसमें डालेंगे राई और ये जो मैंने मसाला पीसा हुआ था उसे भी डाल देंगे और ये कुटी हुई लहसुन। और अब हम इसमें डालेंगे तेल जो हमने गरम किया हुआ था। और अब हम इसमें डालेंगे दो चम्मच नमक। तो नमक हमें इसे टेस्ट करके डालना है क्योंकि इसमें हमने पहले भी हल्दी और नमक मिलाया हुआ था। तो इन सब मसालों को हम अच्छे से मिला लेंगे। अगर आपको अचार में तेल कम लग रहा है तो आप इसमें और तेल डाल सकते हैं। और ये जो बचा हुआ हल्दी पानी था जो मैंने आपको बताया था कि इसे फेंकना नहीं है, उसे हम इसमें डाल देंगे और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारा अचार रेडी हो गया है। और अब बात आती है इसे स्टोर करके रखने की। तो स्टोर करके इसे हमें रखने के लिए बहुत ही साफ़ सुथरा कंटेनर लेना है और उसे हमें अच्छे से धूप दिखाना है ताकि कंटेनर में बिल्कुल भी नमी या पानी ना रहे, बिल्कुल अच्छे से वो सूखा हुआ हो। उसमें हमें इस अचार को डाल देना है और ऊपर से थोड़ा सा गर्म किया हुआ हमें सरसों का तेल डाल देना है और उसे हमें एक से दो दिन तक धूप दिखाना है। उसके बाद हमारा अचार स्टोर करने के लिए रेडी है।